नारी शक्ति सेना के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन से जुड़ी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। मौके पर नारी शक्ति सेना के कार्यकर्ताओं ने होली गीत प्रस्तुत किए और एक दूसरे को गुलाल लगाया और कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातें रखी। आज होली मिलन समारोह हम लोग संगठन के मार्फत से रखे हुए हैं, और जो हम लोग जो 8 मार्च को जो शादी करवाए थे 251 जोड़ी का, उसको हम लोग जो अच्छा हमारे सदस्यगण पदाधिकारीगण जो भी मतलब अच्छा काम किए थे, उन लोग को हम एक सम्मान समारोह सर्टिफिकेट देके और उसी बहाने ये होली मिलन भी करवा के खाना वाना का व्यवस्था करवा के आज हम लोग ये करना चाह रहे हैं। 15 साल में शादी हो रहा था प्रदेश में, नारी शक्ति को लेकर क्या कुछ आप पहल? मैं रात के हम तो यही चाहेंगे कि नारी शक्ति सेना का जो ये वर्ड है ये अच्छा मतलब एक अच्छा समाज के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और जो हम लोग जैसे भी शादी करवाते हैं उस शादी में जो जितने भी हम शादी करवाएं आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया, और जो अदरवाइज जो अदर से जो हम लोग के पास काउंसलिंग के लिए जो आते हैं उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि नारी शक्ति सेना का जो आदमी का जो सोच है कि मतलब समाज से जुड़ के जो शादी करना, ये हम चाहेंगे कि यह समाज से हो। इससे क्या है कि दहेज मुक्त भी आदमी रहेगा, और दूसरा है कि घरेलू हिंसा वाला विवाद जो है वो कभी नहीं आए। हमारी नारी शक्ति सेना गांव-गांव से जुड़ी हुई है। जितनी भी गांव में महिला लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना में क्या क्या आए हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है अभी, किनको उनकी सुविधा मिली है नहीं मिली है, इसकी जानकारी हम लोग हर गांव में जाकर देते हैं और उसके तहत उनको मजबूत बनाते हैं कि इसके लिए वो खड़े हों, अपना अधिकार जो है वो अधिकार के लिए लड़ें और खड़े हो जाएं। हमारा सपोर्ट हर तरह से उनके साथ रहता है। मेरे सीमा श्रीवास्तव, मैं उपाध्यक्ष हूँ नारी शक्ति सेना। आज होली मिलन सम्मान समारोह का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग साल भर जो कार्यक्रम नारी शक्ति सेना की ओर से करते हैं उसका आज समीक्षा होता है कि जो साल भर कार्यक्रम हुए उसमें क्या क्या त्रुटियां हुई, क्या क्या उपलब्धियां हुई और आगे भविष्य में हम लोग क्या टारगेट लेने वाले हैं उसको लेकर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा जो लोग हम लोग के साथ काम किए हैं साल भर, उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन जिनका रहा है उनको हम लोग सम्मानित करते हैं और आगे भी ऐसा होते रहेगा, और आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला उत्थान को लेकर सामूहिक विवाह है, उसके अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य? हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को दो भाग में बांटे हुए हैं। पहला कार्यक्रम महिला को समानता का अधिकार, ज्यादातर महिला लड़की सिर्फ लिंग के आधार पर उनको भेदभाव किया जाता है, तो उस समानता के लिए हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि अगर कोई लड़की है उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, अगर कोई लड़की है उसको कम उम्र में शादी किया जा रहा है, अगर कोई लड़की है उसको दहेज के लिए सताया जा रहा है, तो उसके लिए एक लड़ाई लड़ते हैं, वो समानता का अधिकार। और दूसरे क्षेत्र में हम लोग दूसरे भाग में जो लड़कियाँ हैं जो महिलाएँ हैं उनको प्रशिक्षण और उनको रोजगार के लिए जोड़ते हुए, ये हमारा मेन कार्य है। देखिए, हम लोग आज केवल बाकी संस्था जो भी करता हो, हम लोग रंग लगाने के लिए होली मिलन समारोह नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह संकल्प लेते हैं आज के दिन में कि हम लोग होलिका दहन के साथ साथ अपने अंदर की जो खराब भावनाएं हैं, जैसे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है आजकल के उसमें, उन सारी भावनाओं को होलिका के साथ साथ दहन करेंगे और एक नया समाज का, हर साल हम लोग ये लेते हैं, नया समाज का उद्भव करेंगे और उस दिन हमारा होली समारोह सचमुच सम्पन्न हो जाएगा। इस कार्य के लिए हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हर साल थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन तो हो रहा है और एक दिन परिवर्तन पूरी तरह से आएगा, इसका वो भी है, विश्वास भी है। सारी सामाजिक कार्यक्रम में हमारा रहता है कि हम चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा पता चले लोगों को, क्योंकि आप लोगों का ये बहुत बड़ा हुआ है कि आप लोग घर घर तक पहुंचा सकते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सारे छोटे से छोटे प्रोग्राम में मीडिया जाए और इसके बाद फिर उनकी बढ़ाए और लोगों को बताए कि इतनी संस्था जो आपके लिए कार्य करती है। हमारा सामाजिक संस्था नहीं, हमारा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक आपका उद्धार करेगा, आपकी बात को सरकार से जोड़ना, इसको सामाजिक संस्था कहते हैं, ना कि उसको कहते हैं कि आपको फायदा के लिए काम करना, उसको सामाजिक संस्था नहीं करते हैं, मेरे नज़र में यही है। और जिस दिन हर एक सामाजिक संस्था सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके लोगों की बात सरकार तक पहुंचा देगी, उस दिन हमारा देश में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। युवाओं के लिए देखिए, रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम कहेंगे कि आप रेप केस को इस तरह से रोक सकते हैं कि खुद को बदलिए, इसके बाद अगर आपका दोस्त कहता है और उस तरह का भावना मन में लाता है तो उसको एक थप्पड़ मारिए और उनका साथ मत दीजिए, और जिस दिन आप ऐसा कर देंगे रेप केस होना बंद हो जाएगा, इसका पूरी विश्वास है हमको।